आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। बंधु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री माधव चतुर्वेद परिषद और चतुर्वेद समाज के तत्वावधान में हम लोग प्रतिवर्ष श्री कृष्ण महोत्सव तंसवत मेला मनाते हैं। उसी के अंतर्गत आज यहाँ यमुना की गोद में बैठकर पूरे देश से जाने माने आए हुए कवि काव्य रस की धारा को यहाँ बहाएंगे और हमारे मध्य आज के इस कवि सम्मेलन में अपना काव्य पाठ करने के लिए जो कविवर पधारे हैं, मैं उनका नाम लेकर यहां मंच पर उनको बुलाना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारे मध्य नरसिंहपुर से पधारे हुए कवि श्री गुरु सक्सेना जी से आग्रह करूंगा वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि आने वाले कविगणों का ताली बजाकर स्वागत करें। जाने माने कवि, वीर रस के कवि, मेरठ से पधारे हुए श्री सत्यपाल सत्यम जी से भी आग्रह करूंगा वे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। श्री सत्यपाल सत्यम जी, धौलपुर से पधारे हुए जाने पहचाने हमारे कवि श्री राम बाबूजी सिकरवार, रीवा से हमारे मध्य पधारे श्री राधाकांत जी पांडे से आग्रह करूंगा वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य आगरा से पधारी, जिन्हें हम बहुत सी मंचों पर सुन चुके हैं और यहां भी सुन चुके हैं, ऐसी कवयित्री श्री मती डॉक्टर ममता शर्मा जी से आग्रह करूंगा वे भी आए और मंच का अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य मथुरा का नाम रोशन करने वाले हास्य और व्यंग में अपनी बातों से सबको हंसाने वाले, पूरे देश को जिन्होंने टीवी चैनलों के माध्यम से हंसाया और मथुरा का नाम रोशन किया, ऐसे हमारे बड़े भाई साथी अधिवक्ता श्री राम सरिंग जी से आग्रह करूंगा वे भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। और बंधुओं, अब मैं ऐसे अपने साथी कवि को यहां बुला रहा हूं जिसे आप सब बड़ी बड़ी मंचों पर आपने सुना होगा और उसने मथुरा का नाम वीर रस के माध्यम से और एक अपनी अलग विधा में, जिनकी अपनी एक अलग शैली है और युवाओं को जोश भरने वाले ऐसे कवि हमारे भाई मनवीर मधुक जी से भी आग्रह करूंगा वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बंधुओं, आज की यह काव्य संध्या प्रारंभ हो इसके लिए मैं अपने माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक एवं तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक श्री महेश पाठक जी से आग्रह करूंगा और यहाँ उपस्थित हमारे संरक्षकगण माननीय गोपेश्वर जी, माननीय नवीन नागर जी,
माननीय गिरधारी लाल जी से भी आग्रह करूंगा वे आए और माँ यमुना के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस काव्य सरिता की धारा को प्रारंभ करने का आदेश दें। बोल यमुना मैया की, यमुना अविरल हो जाएगी साल भर। मैं आग्रह करूंगा मुख्य संरक्षक जी से कि वे हमारे कवि गणों का पटका उड़ाकर सम्मान करें एवं मुख्य संरक्षक के अतिरिक्त उपस्थित श्री गिरधारी लाल जी, माननीय गोपेश्वर जी एवं नवीन नागर जी कवियों का स्वागत कर रहे हैं। भाई कोई सुने अरे आपको ग्वालवाल जैसा पहना है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, हमें मनसुखा जैसा पहना है। ये तो खैर हमारे, ये तो हमारे चतुर्वेदी। मैंने कहा सरीन जी तो मैंने हमारे चतुर्वेदी। बंधुओं आप सब लोग जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे वह प्रारंभ होने वाला है और इसके लिए मैं अपने बड़े भाई साथी अधिवक्ता श्री राम सरीन जी से आग्रह करूंगा वे आए और इस मंच का संभालें और संचालन करें। श्री राम सरीन जी, मुझसे एक भूल हुई है, मैं उसे सुधार कर रहा हूं। हमारे मध्य उपस्थित हमारे ही समाज के जिन्होंने काव्य में काफी हमारा नाम किया है, समाज का काफी की वाचन में, ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर विनोदम जी से भी मैं आग्रह करूंगा वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए भाई। देवी और सज्जनों, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। गोपाष्टमी ब्रज संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। शायद भगवान कृष्ण के जीवन में अष्टमी तिथि का महत्व रहा होगा। अष्टमी को ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और अष्टमी तिथि थी जब भगवान कृष्ण को किशोर अवस्था में सबसे पहले स्वतंत्र रूप से गाय चराने भेजा गया और इसीलिए गोपाष्टमी का यह पर्व मनाया जाता है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली, जन्म स्थली, क्रीड़ा स्थली मथुरा है और कालिंदी के तट पर यह काव्य निशा हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य न तो कवियों का है न श्रोताओं का। ब्रज की इस संस्कृति को अक्षुण बनाने के लिए जिस व्यक्तित्व का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है वो हैं आदरणीय महेश भाई पाठक और निश्चित रूप से ब्रज की संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए उनका जो योगदान है उसके प्रति हम सब नतमस्तक हैं और ब्रज का प्रत्येक नागरिक उनके प्रति कर्तव्य ध्वनि से कृतज्ञता व्यक्त करे। अन्यथा एक दिन आएगा कि आगे आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि गोपाष्टमी क्या होती है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आपके सम्मान में कहना चाहता हूं कि नए घर में कहो चीजें पुरानी कौन रखता है, नए घर में कहो चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, संभाले आप हैं गिरती हुई दीवार को वरना, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मैं आपके प्रति नतमस्तक हूं और मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं ब्रज क्षेत्र का एक नागरिक होने के नाते कि आप अपने मार्गदर्शन में, अपने नेतृत्व में ब्रज की संस्कृति को अक्षुण बनाए रखे हुए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से, नीली छतरी वाले से आपके लिए बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं करता हूं। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत
संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।